मुझे मज़ा नहीं आया, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा वहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह का है कि हम एक दो दिन से मॉल जा रहे थे, तो वहाँ पे मतलब 15 अगस्त को गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। कल हम लोग शाम को रात को गए तो वहाँ पे मतलब शोरूम्स हमें कुछ खास ओपन नहीं मिले, बट फिर भी हम लोगों ने H&M ज़ारा में विज़िट कर लिया था, वहाँ से कुछ परचेजिंग कर ली थी। पर हमें लास्ट में हमें जाना था ट्रेंड्स में, तो ट्रेंड्स में हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो क्लोज था। तो इस करके फिर आज प्लान करा मैंने फिर से कि ट्विंकल और मैं और रेखा दीदी तो हम लोग जाते हैं ट्रेंड्स में। और अभी इतना मुझे नहीं लगता कुछ खास आज जो है क्राउड मिलेगा, तो फिर चलो चलते हैं हम लोग ट्रेंड्स में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कलेक्शन है। एक्चुअली वहाँ के मुझे ना घर पे पहनने के लिए टी शर्ट्स हो गई, घर पे पहनने के लिए लोवर्स हो गए, और कुर्तियाँ उनके पास काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस पर बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, जो आप डेनिम पे पहन सकते हो या किसी भी लेगिंग से या फिर सलवार से या किसी चीज़ से मैच करके। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन होते हैं और वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे ऑफर्स बहुत होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है फैमिली के लिए कि वहाँ जाकर के फैमिली विजिट करें। मतलब आप लाइक ऐसा वहाँ पे कि अगर आप 5,000 रुपये की भी शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत कुछ खरीद लोगे 5,000 रुपये में। और बस हम लोग बस वहीं के लिए निकल रहे हैं, मेरे घर ही का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली उनको आगे तक लेने नहीं गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड सा हो रहा था, भीड़ लगी हुई थी, गाड़ी नहीं आने जाना हो रहा था, तो इस करके दीदी ने कहा मैं यहीं पर ही आ रही हूँ, तो मैं यहीं पर उनका वेट कर रही हूँ बाहर पार्क की तरफ। और फिर हम लोग जाएंगे सीधा मॉल, तो मिलूँगी मैं आप सब सीधा मॉल में। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, मैं सरोजिनी नगर भी गई थी, पर वहाँ से मैंने एक दो चीज़ ली जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, बट उसके अलावा मैंने वहाँ से कुछ भी चीज़ें जो है ट्राई नहीं करी। मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा रहा, तो वो मैं आपको फिर कभी मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, क्या पता मैं आपको एंड में बताऊँ। और फिर बस अभी फटाफट से दीदी आ जा, फिर हम लोग चलते हैं मॉल की तरफ और करते हैं फिर थोड़ी सी शॉपिंग। तो जो लोग नए चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चलो चलते हैं। तो मॉल से शॉपिंग करके अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं मेहरौली, जो जहाँ पे पुलिस चौकी है, और यहाँ पे ओबरॉय जो रेस्टोरेंट है, रेखा दीदी ने मुझे सजेस्ट करा कि मिनी वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ खाने का लेते हैं घर के लिए। और दीदी बताई थी कि यहाँ का जो खाना है बहुत टेस्टी है, तो देखते हैं। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई और फर्स्ट टाइम ही हम खाना टेस्ट करेंगे, यहाँ पर नहीं खाएँगे, घर पर जाकर पैक कराएँगे। तो फिर बस जल्दी से कराते हैं पैक। दीदी इसमें क्या क्या है? एक और है अंकल, ध्यान सो करके उठ गया है। आज ध्यान जो है वापस जा रहा है हेलो अपने घर। हेलो ध्यान, हाँ वोन बोल, जा रहे हो आज? हाँ देखो पापा की बात तो सुन। अच्छा नाना को देख रहा है, मैं नींद बड़े ध्यान से। ध्यान जय कर दो। जय 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 ध्यान जय कर दो प्लीज, आज आपका आखिरी दिन है। गुड बॉय, ठेकेदारी करनी बस, मेरा बंधु बाबू और मेरा गुंदू बाबू है। गुंदू बाबू भैया मैं नीचे कैसे लेके चलूं यार इसे? नहीं फिर बोले कहा है। ध्यान नमस्ते, जय कर दो, जय जय भैया, ध्यान जय, जल्दी से जय कर दो, ध्यान हो जय। नहीं भैया 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 अच्छा तो ये चाहिए इसको, बदमाश
मम ये देखो भाई मॉम। अच्छा ये पकड़ के पिएगा दूध निपी ना है बुबू निमी ना हेलो एवरीवन। तो रात को हम लोग घर आ गए थे और मैंने फिर आगे वीडियो नहीं कंटिन्यू करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हमारा प्लान था कि हम ट्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग गए और पता है वहाँ पे सच में फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं मिला और सब मतलब पुरानी सारी चीज़ें थी तो वो सेल पे भी थी तो बट जो वो यूज़ की नहीं रिस्क करके हमने कुछ लिया ही नहीं वहाँ से। रेखा जी ने भी शायद एक दो चीज़ ली थी मैंने भी एक दो चीज़ ही वहाँ से शायद ली थी उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया। बाकी जो मतलब पिछले दिनों मैंने जो भी शॉपिंग वगैरह करी है ना वो मैं आप अपने लिए मैंने जो भी कुछ लिया है वो मैं आपको आने वाले टाइम पर अभी एक दो दिन में मैं व्लॉग जो है वो उस पर बनाऊँगी कि मैंने क्या लिया अपने लिए तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं ठीक है। तो और कल हम लोग अपना आ गए थे घर और फिर कल रेखा जी ने मुझे एक जो है मेहरौली में एक रेस्टोरेंट दिखाया वो बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे उनके प्राइस भी बहुत ठीक थे रीजनेबल थे और खाना बहुत डिलिशियस था। तो मतलब हमारे घर के नियर है तो लोग जो लोग यहाँ पे यहाँ की तरफ रहते हैं जैसे मेहरौली साइड रहते हैं किशनगढ़ वसंत कुंज रहते हैं तो वो वहाँ जा करके जो है मेहरौली थाना जो है वहीं पे ही वो ओबेरॉय रेस्टोरेंट है ढाबा पंजाबी तो आप वहाँ से जा करके अपना खाना ले सकते हैं बहुत सच में टेस्टी है। और दूसरा बाकी जो है मेरा मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी सरोजनी नगर का। तो यार सरोजनी नगर में तो सरोजनी नगर का क्या हुआ मैं पहले तो ध्यान को लेकर के गई थी ठीक है तो ध्यान के साथ मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई मतलब कि वहाँ पे एक तो इतनी गर्मी हो रही थी और फिर क्राउड भी इतना था और इतने क्राउडी प्लेस में ध्यान को लेके जाना मुझे फिर ठीक नहीं था। हमारे रस्ते तक चले गए थे फिर वहाँ से वापस लौट करके हम लोग आए तो वहाँ से जस्ट मैंने जो लिया सिर्फ जहाँ से मैं हमेशा मतलब ले लेती हूँ तो स्टेला टोस करके वहाँ पे है शू का शोरूम है तो मैंने वहाँ से जो है एक हील अपने लिए ली और एक फ्लैट ली तो वहाँ के जो है ना शूज़ जो कलेक्शन है वहाँ के मुझे थोड़े ठीक लगते हैं मतलब मतलब आप लगा लो हाँ मतलब जैसे मॉल में आपको मिल जाएंगे H&M ज़ारा में वैसे ही उनकी जैसी मतलब ज़ारा जैसी और H&M जैसी क्वालिटी तो नहीं है बट उनसे एक नंबर आप नीचे कर कह सकते हो मतलब 19-20 का फ़र्क है बस। तो वहाँ से मैंने एक हील अपने लिए ली और एक फ्लैट ली तो मैंने ये दो चीज़ वहाँ से अपने लिए ली ठीक है। और बाकी मैंने वहाँ से छोटे मोटे झुमके वगैरह जो भी है वो उस टाइप के लिए तो वो मुझे सही रेट पे मतलब वहाँ पे मिल गए 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ और एक मैंने बैंगल्स वगैरह लिए वो मुझे 80 रुपीज़ समथिंग ऐसे मिल गया था। उसके बाद जब मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करी जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा कि वहाँ पे 250 में आपको क्रॉप टॉप मिल रहे हैं टी शर्ट्स मिल रही हैं और ज़ारा H&M की कॉपी मिल रही है तो यार मुझे तो मैंने देखा बट वो कॉपी ही थी और वो बहुत ही मतलब लो कॉपी में थी कह सकते हो आप मतलब वो ज़ारा का बिल्कुल नहीं था बस वो ज़ारा का टैग लगा हुआ था वो पता नहीं मुझे नकली सा ही लग रहा था और उनके जो प्राइजेस वगैरह थे 1000 1200 1500 ऐसे थे तो मुझे वो बिल्कुल वर्थ नहीं लगा इतने में तो आप जो कि ज़ारा से ओरिजिनल ले सकते हो। तो कुल मिला के ये कि मतलब वहाँ पे क्वालिटी अगर मान लो 250 का अगर वहाँ पे टॉप मुझे मिल रहा था तो उसकी मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आई मतलब पहनोगे तो वो अलग से पता चल जाए कि हाँ आपने मतलब इस प्राइस में जो है इतने प्राइस का ही कपड़ा जो है पहना हुआ है। तो काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल है वहाँ पे जाके शॉपिंग करना जैसे जिन लोग को नहीं जो लोग जैसे मान लो नहीं करते हैं वहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके आप अपना टाइम मतलब ख़राब करो या फिर क्या कहते हैं अपने पैसे वेस्ट करो क्योंकि उतने पैसों में आपको क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी बट क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती है वहाँ पर तो इस करके मतलब मुझे मज़ा नहीं आया और मेरा जो एक्सपीरियंस है मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा वहाँ पे। बाकी उसके अलावा आप वहाँ से जैसे कि घर पे पहनने के लिए लोवर्स वगैरह टी शर्ट्स होगी वो तो चलो आप ले सकते हो वहाँ पे 200-300 में आपको मिल जाएंगे और क्या कहते हैं मतलब ठीक ठाक आपको कपड़े वहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे घर पे पहनने के लिए। बाकी वहाँ पे कई शोरूम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सूट वगैरह मिलते हैं कुर्तीज़ वगैरह मिलती है तो आपको वो भी वहाँ की क्वालिटीज़ भी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि उनके फिर पैसे भी उनके हिसाब से हो गए ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे कपड़े देख रहे हो कि डेनिम हो गया टॉप हो गया क्रॉप टॉप हो गया ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वर्थ है बेकार है। बाकी
की होम डेकोर के लिए आप वहाँ पे घर के लिए चीजें ले सकते हैं, कर्टन्स ले सकते हैं, बेडशीट्स ले सकते हैं, पिलो कवर हो गए, कुशंस हो गए, मतलब ये सब चीज़ आपको वहाँ पे अच्छे मिल जाएगी। बाकी जो वीडियो में मैंने देखा, आप कई बार सर्च करोगे ना सरोजिनी नगर करके हॉल करके सरोजिनी नगर कलेक्शंस, तो कई सारी वीडियोज आपको आ जाएगी, तो उसमें वो जो भी दिखा रहे हैं ना वो बिल्कुल यूजलेस चीज़ें हैं, आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट करना है और आपके पैसे वेस्ट होने हैं। तो इससे अच्छा यही है मॉल जाइए, एक चीज़ लीजिए, अच्छी चीज़ लीजिए। तो मतलब मेरा तो यही मानना है कि आप जाकर के किसी ब्रांड से एक चीज़ ले लो, वो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। आप मतलब आपका जो एक मन है ना बिल्कुल शांति रहेगी कि हाँ यार मैंने मतलब अच्छे कपड़े पे मैंने जो है अपने पैसे खर्च करे हैं। तो मेरा बस यही एक्सपीरियंस रहा और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और आप लोग को मेरी राय और मैं जो भी मैंने अपने बारे में मैंने आपको शेयर करा कि मुझे वहाँ कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग मुझसे अग्री करते हैं इस बात को लेकर के या नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस यही, और आज जो है मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे मैंने सोचा था 2-3 दिन रुकूंगी, तो योगी ने कहा अब दो तीन दिन काफ़ी दिनों बाद आए तो और अच्छे से रुक लो, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी ने भी यही कहा था। तो बस अब मैं जो है मेरा सामान वगैरह सब पैक है और यूवी भी आ गए, अभी रेखा दी के घर गए हैं थोड़ी सी देर के लिए ध्यान को लेकर के, तो इतनी देर में अपना लंच वगैरह करूँगी, सामान वगैरह मेरा बिल्कुल पैक है और बस, और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और टाइम से अपना घर जो है पहुँच जाएंगे उज्जवा। और फिर जब कल जन्माष्टमी है तो फिर उसकी कुछ तैयारी करेंगे, तो वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर होगा। और आपको आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट्स करके बताना। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।